दोस्तों, सलमान खान की फिल्म भारत का बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाला कलेक्शन किसी बढ़ते हुए तूफान की तरह हो रहा है। जो सलमान खान के फैंस हैं, कैटरीना कैफ के फैंस हैं, उनको सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोगों को साथ में फिल्म भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। साथ ही बता दें कि फिल्म जो है, जहां फिल्म ने अपने पहले दो दिन में इंडिया में जो नेट कलेक्शन की थी 73 करोड़ 30 लाख रुपये की, 73 करोड़ 30 लाख रुपीज़ की, जिसमें से डे वन वेनसडे को ईद के मौके पर जो कलेक्शन हुआ था 42 करोड़ 30 लाख का, 42 करोड़ 30 लाख का। अब डे टू थर्सडे को जो कलेक्शन था वो था 31 करोड़ 31 करोड़ का। अब आते हैं डे थ्री यानी फ्राइडे। अब फ्राइडे था वर्किंग डे था, यानी कि छुट्टी का दिन नहीं था। तो मेरा जो फ्राइडे का प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था 23 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के आसपास का। अब जो डे थ्री फ्राइडे का जो कलेक्शन है वो मेरे प्रेडिक्शन के बहुत क्लोज है, यानी कि फिल्म ने डे थ्री फ्राइडे को जो कलेक्शन की है वो है 22 करोड़ 20 लाख की, 22 करोड़ 20 लाख रुपए की। यानी कि फिल्म भारत का पहले 3 डेज का, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 डेज का इंडिया का जो नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 95 करोड़ 50 लाख रुपए का, 95 करोड़ 50 लाख रुपीस का। फिल्म 100 करोड़ के बहुत पास पहुंच चुकी है। अब आते हैं डे फोर यानी कि सैटरडे है, वीकेंड आ चुका है, ऑलमोस्ट छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सा कलेक्शन बढ़ेगा। अब मेरा जो डे फोर का प्रेडिक्शन है सैटरडे का, वो रहने वाला है 27 करोड़ से लेकर 29 करोड़ के आसपास का। वीकेंड आ चुका है, ऑलमोस्ट छुट्टी का दिन है, तो बढ़ेगा 27 से 29 करोड़ के आसपास का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।